हेलो दोस्तों, मैं हूँ शागिर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बॉक्स को अनबॉक्स पे। आज की जो वीडियो है वो वर्ल्ड की सबसे यूनिक वीडियो होने वाली, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है वो भी वर्ल्ड का सबसे यूनिक प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन। जो कि दोस्तों ये है बॉल की साइज का स्मॉलेस्ट फोन, बॉल की साइज से भी छोटा स्मॉलेस्ट फोन है जिसके आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग। इसके अंदर भी आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ मिलती है 700 mAh की बैटरी, जो कि आपकी 3-4 हफ्ते आराम से आप बैटरी, 3-4 हफ्ते तो नहीं लेकिन 3-4 दिन तो आराम से आपकी बैटरी चला देती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो फोन है वो है ब्लैंक जॉन की तरफ से आने वाला M2 फोन, जिसकी करूंगा मैं आज अनबॉक्सिंग और बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स है और क्या एक्चुअल में ये जो मोबाइल है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, क्या ये यूजफुल भी होते हैं या नहीं होते, आइए चलिए जानते हैं। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और पैकेजिंग भी दोस्तों बस यही है। इस मोबाइल के अंदर जो आपको पैकेजिंग देखने को मिलती है वो भी कुछ इस तरीके की मिलती है, जहाँ पर दोस्तों ये जो मोबाइल है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, हमें प्राउड होना चाहिए इंडिया के ऊपर कि ऐसे टेक्नोलॉजीज भी अब इंडिया के अंदर बन रही है। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के बाद में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर ही बिल्ड हो रहे हैं, उसमें से एक आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन, जो कि कीपैड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके अंदर आप ब्लूटूथ डायलर भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपना ब्लूटूथ डायलर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 32 MB प्लस 32 MB का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके के ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब चलिए इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स तो जिस तरीके का होता है दोस्तों, साथ ही सबसे पहले इसके अंदर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। चार्जिंग केबल के साथ साथ आपको इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 700 mAh की बैटरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और सबसे जो खास हमारा जो वो है ये फ़ोन है, इसके ऊपर इस तरीके की आपको ये आप ब्रांडिंग देखने को मिलती है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सो ब्लैक जोन को जिस तरीके का आपको मोबाइल देखने को मिलेगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा छोटा और स्लिम मोबाइल है। इसको मैं अपनी पॉकेट नहीं है लेकिन मैं इसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल के भी ले जा सकता हूँ। एक मुट्ठी में बंद करूँगा दोस्तों तो मुट्ठी में भी बंद हो जाता है पूरा फ़ोन, एक तरीके से देख सकते। छोटे बच्चा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में मोबाइल ब्लैक जोन का। अब मैं इसको बात करता हूँ इसके अंदर बैटरी कैसे लगानी है। यहाँ पर आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरीके से आपको इसको खोलना है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके थोड़ा ओपन टाइट होता है ये, यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर ड्यूल सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप एक सिम लगा सकते हैं, दूसरी सिम आपको यहाँ पर लगानी होगी। साथ ही यहाँ पर आपकी बैटरी लगती, फिलहाल मैं इसमें सिम नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको इसके अंदर बैटरी लगा के दिखा रहा हूँ। बैटरी किस तरीके से आप इसके अंदर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है। प्लस यहाँ पर आपको इसके अंदर स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका स्पीकर है, और यहाँ पर आपको इसका माइक देखने को मिल जाता है। बात करूँ इस मोबाइल की तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप इसको अपने मोबाइल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केबल लगानी, इस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन कैसे होता है। बटन दबाना है लाल छोटा, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले पर आपको ब्लैक जोन दिखा हुआ आ जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग साउंड था जो आपने देखा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको टाइम और डेटा अपने हिसाब से सेट करना है। यहाँ पर आपको दोनों सिम का नेटवर्क ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बैटरी का ऑप्शन दिख रहा है और कुछ इस तरीके का मोबाइल है। तो सपोज डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले बंद हो जाती है। प्रेस अनलॉक, जो भी पुराने मोबाइल यूज़ करते थे उस तरीके से इसके अंदर आपको होम और स्टार बटन दबाना पड़ता था, तब जाके मोबाइल अनलॉक होता था। सो बात करो अगर मैं इसकी कीपैड की, तो जैसे मैं इसके अंदर बटन प्रेस करता तो इसमें वॉल्यूम की आवाज़ आती है। इसके अंदर जैसे सपोज मैं होम पे जाता हूँ तो इसके अंदर आपको फोन बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, मैसेज मिल जाते हैं, आपको कॉल सेंटर मिल जाएगा, साथ ही इसके अंदर आप मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और सेटिंग की मैं बात करूँ तो सेटिंग के अंदर आपको सबसे पहले टाइम एंड डेट देखने को मिल जाएगा, फिर डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे फोन सेटिंग मिल जाएगी। फोन सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सपोज हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, प्रेफर इनपुट मिल जाएगा, फ्लाइट मोड भी मिल जाता है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर अगर फ्लाइट में बैठते तो मेक श्योर फ्लाइट मोड ऑन करके बैठे। साथ ही बात करूँ इसके अंदर आपको रिंगटोन का वॉल्यूम कितना देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन करके दिखाता हूँ, चेंज में जाके ऑप्शन आपको मिल जाएगा, चेंज पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंगटोन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, तो इस तरीके का कुछ साउंड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा काफ़ी अच्छा सा फोन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। सो दोस्तों अगर किसी का कंसर्न होता है कि ये मोबाइल एंड्रॉइड फोन से या फिर कि दूसरे मोबाइल से कितना बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल की साइज़ और इस मोबाइल की साइज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये iPhone 7 Plus है और ये आपके सामने ब्लैक जोन का M2 फोन है, तो आप देख सकते हैं साइज का कितना बड़ा डिफरेंस। बात करूँ अगर मैं आईफोन की, तो इसके अंदर आपको 6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट ब्लैक जोन के अंदर आपको ओनली 0.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी डिस्प्ले है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। जिसको अगर आज मैं इंची टेप से नापूं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी इसकी साइज देखने को मिलती है, 65 के समथिंग आप इसके देख सकते हैं। इसका मेजरमेंट 65 सेंटीमीटर आपको इसकी साइज देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल मोबाइल है, जो कि आप आराम से
देख सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको यूज करना है यूज करके ले जा सकते हैं। सो दोस्तों ये था इस मोबाइल के साथ कंप्लीट डिटेल, जहां पर मैं इसके आपकी हर चीज डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपके प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल लेना चाहिए, कि आपके लिए वर्थ है, सो ये दोस्तों आपको 1100 से 1200 की रेंज के अंदर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। सो आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं जैसे छोटे बच्चे को देना है, या फिर आपके छोटे बच्चे के अंदर गले में रस्सी, जैसे आप इसके अंदर रस्सी डाल के भी छोटे बच्चे गले में टांग दें, और कभी अगर आप कहीं घूम रहे तो आप जैसे सपोज उसको इमरजेंसी में आपको फ़ोन करना है तो आप कर सकते हैं। जो आपके घर में बुजुर्ग लोग अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते, उनको स्मार्टफोन चाहिए, छोटा फ़ोन चाहिए, जहाँ बड़े फ़ोन रखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप कहीं पर भी रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुट्ठी में भी मोबाइल आ जाता है। सो इस तरीके से आप आराम से कहीं पे भी अपने किसी भी छोटे वॉलेट के अंदर, या फिर अपने बैग के अंदर कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है, जो कि हैंडी प्रोडक्ट है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता है। सो ये था इस प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाएगा, और कैसा लगा ये छोटा मोबाइल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।